सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है लाइफ प्रोसेस का पार्ट टू। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इसे हम लिखते हैं, जिसे हमने इसके पहले वाले वीडियो पे देखा था, जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6 प्लस H12 प्लस O6 में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आएगा प्लस O2। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ग्लूकोस। तो 6-6 C6 H12 और O2 हमारा ग्लूकोस होता है, और ये ग्लूकोस ही हमारे प्लांट्स का खाना होता है, हमारे प्लांट्स का फूड होता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बच जाती है वो प्लांट्स रिलीज करते हैं, जैसे हमें पता ही है कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वही बची हुई ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है। हमारे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो सिंपली सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और C6H12 और O2 जो कि हमारा ग्लूकोस है उस पर कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर O2 रिलीज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर O2 बच जाता है। अब हम देखेंगे इवेंट्स ऑक्यर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मतलब होता है घटनाएं, क्या क्या घटनाएं होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे, अब हम वो देखेंगे। तो इसमें पहला इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर जो हमारी सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। उसके बाद हमारा सेकेंड इवेंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटू H and O। उसके बाद सेकेंड इवेंट में हमारा जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है H2O, वो H2O हमारा H2O वो स्प्लिट हो जाता है H and O में, H2 प्लस O2 में, जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर C6H12 और O6 है। थर्ड इवेंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन कब होता है, जब उसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे हट जाए, चला जाए, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर C6 प्लस H12 है, मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं, इसमें हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। तो ये एक प्लांट का लीव है, तो ये लीव की जो विथ है, जो डेप्थ है, या फिर हम इसे चौड़ाई भी बोल सकते हैं, अगर हम उसे जूम करके देखेंगे तो हमें जो सबसे ऊपर जो लेयर मिलेंगी उसे हम बोलेंगे क्यूटाइल। उस लेयर को हम बोलेंगे क्यूटाइल। ये क्यूटाइल लीव का सबसे अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, और ये क्यूटाइल लेयर के नीचे होते हैं सेल्स। और ये सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस सेल्स के नीचे होते हैं प्लांट सेल्स, जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे। और यही प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम यही क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे।
The chloroplast होता है, there are the small organelles found in plant cell. It contain chlorophyll which absorb sunlight for photosynthesis. तो यहाँ पर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट सेल का वो एक स्मॉल ऑर्गेनल है, जैसा कि हमने क्लास 9 में देखा था जैसे सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वैसे ये प्लांट सेल का एक ऑर्गेनल है. इट कंटेन क्लोरोफिल, वो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और वही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. तो यही था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है. तो अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजॉइक न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल और मैटर. तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कोई भी डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंगाई, या फिर हम इसे फंगी भी बोल सकते हैं. तो बैक्टीरिया और फंगी जो है वो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. अब हम इसका सेकेंड टाइप देखेंगे. इसका सेकेंड टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which organisms obtain food from another organisms without killing them. तो parasitic mode of nutrition में एक organism दूसरे organism से food obtain करता है बिना उसे मारे, और इसके example है mosquito और tapeworm. जैसे tapeworm हमारे पेट में present होता है but वो हमें मारता नहीं है, वो हमें बिना मारे हमसे न्यूट्रिशन ले लेता है. और मस्क्यूटो भी बिना हमें किल किए, बिना हमें मारे हमसे न्यूट्रिशन ले लेता है. तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले ले, न्यूट्रिशन ले ले बिना उसे मारे, तो उस टाइप के हम न्यूट्रिशन को बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन. वो हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं. उसका नेक्स्ट टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी सॉलिड या लिक्विड का सबसे पहले इंजेशन किया जाए, मतलब उसे खाना, फिर उसका डाइजेशन हो यानी पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाए, और फिर एसिमिलेशन मींस उसे बॉडी से बाहर निकालना, जैसा कि हमारे बॉडी में होता है. हम क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसका असिमिलेशन होता है, उसे बाहर निकाल देते हैं. में भी सबसे पहले होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, ये सब प्रोसेस हमारे बॉडी में भी बॉडी में होते हैं. तो हम भी एक एग्जांपल है होलोजोइक न्यूट्रिशन के. तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एनिमल्स और ह्यूमंस. एनिमल्स और हम खुद इसके एग्जांपल है. तो हमारा और जो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के साथ हमारे ये इसके तीनों भी टाइप्स ख़त्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोस आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए.